नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जबलपुर शहर में अब्दुल रजाक एवं मोहम्मद शहबाज को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए कोर्ट के अंदर ले जाया गया। अब्दुल रजाक के समर्थक भीड़ के रूप में एकत्रित होकर गेट नंबर 3 से कोर्ट परिसर में घुसने लगे। वहीं पुलिस बल के द्वारा रोकने पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए गेट को धक्का देकर अंदर चले गए। इस दौरान धमकाते हुए कहने लगे कि सरजात भाई का फोन आया है, कह रहे हैं कोर्ट पहुंचो। कोर्ट परिसर की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस लाइन के उपनिरीक्षक सुधीर सिंह मरावी को जातिगत रूप से अपमानित करते हुए गाली गलौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान हिस्ट्री शीटर बदमाश के समर्थक के द्वारा कोर्ट परिसर में अफरा तफरी एवं भय का माहौल निर्मित कर दिया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मामले कायम हुए। थाना विजयनगर और थाना ओमती में जो अपराध पंजीबद्ध हुए थे उसके तारतम्य में आरोपी अब्दुल रजाक और शहबाज को गिरफ्तार करके जब कोर्ट ले जा रही थी पुलिस, तो उसी समय कुछ उसके समर्थक वहाँ एकत्रित हुए। वहाँ पर वो नारेबाजी करने लगे और झड़प करने लगे। उन्होंने हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उनको धक्का दिया, उनको जातिगत गाली की, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो न्यायालयीन प्रक्रिया में बाधा पैदा कर रहे हैं और जो शासकीय कार्य में हमारे बाधा पैदा की। उन्होंने बाद में उन्हें जो हमारे शासकीय अधिवक्तागण हैं उनकी सहायता से उन सबको बाहर किया गया और उस वहाँ पर एक भय का वातावरण व्याप्त हुआ, अफरा तफरी मच गई थी। तो इस संबंध में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना ओमती में। इसमें जिन लोगों ने इंस्टिगेट किया है वो और जो लोग मौजूद थे कुछ लोगों के नाम आए हैं उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे केकेआर न्यूज़ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।